सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आज आजादी का दिवस हम मना रहे हैं, उसके पीछे जिन लोगों की कुर्बानी दी है, जिन लोगों ने, उनको हम आज याद करेंगे, याद कर रहे हैं। इनमें एक आप देख रहे हैं जसवंत सिंह रावत, शायद जो फौजी भाई हैं या और भी बच्चे हैं या जिन्होंने इनके बारे में पढ़ा है वो शायद जानते हैं। जितना मैंने इनको पढ़ा है मैं उतना आपके साथ शेयर करूंगा। आज 21 साल का जवान, 21 साल की उम्र कितनी होती है, हमसे भी छोटा। 21 साल की उम्र में इस जवान ने अरुणाचल में 72 घंटे तक 1962 की लड़ाई में चाइना की पूरी टुकड़ी, पूरी फौज को रोके रखा था, एक अकेले जवान ने। सोचिए कितना हौसला, कितनी हिम्मत होगी इसमें। हम दिल से सल्यूट करते हैं इस जवान को और इसके माता पिता को, जिन्होंने ऐसे वीर, जिन्होंने ऐसे वीर सपूत हमें दिए हैं, हमारी भारत की धरती को दिए हैं, जो 72 घंटे तक एक चाइना की पूरी फोर्स को, पूरी टुकड़ी को रोक सकते हैं। हमारा जो मकसद है, हमारे ग्रुप का जो मकसद है, वो इसी तरह का है कि हर एक जवान, हर एक बच्चे में इतना हौसला होना चाहिए, इतने जज्बा होना चाहिए देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए, कि उसका नाम भी हम अपने इस कार्यक्रमों में बड़ी शान से ले सकें। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने बच्चों को एक मंच दें जहां से उनका उत्साह बढ़े, कुछ करने की प्रेरणा हो। ऐसे ही जोश नहीं आ जाता, ऐसे ही जज्बा पैदा नहीं होता है। वो जज्बा पैदा करने के लिए किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा। आप लोगों के आशीर्वाद से शायद कहीं ना कहीं से हमारी और हमारी टीम में कोई एक ज्योति जली है, अंदर हमारी अंतरात्मा में कुछ हुआ है, वो ऐसे नहीं हुआ है। आप लोगों का आशीर्वाद है, या आप लोगों में से जो लोग आगे आए हैं उनको देख के शायद हमें प्रेरणा मिली है। इस जवान के साथ शायद आपको पता हो तो दो बहनें थी जिन्होंने इसका साथ दिया था, शैला और मुल्ला। तो सोचो वो लड़कियां, आज कई लोगों की विचारधारा है कि लड़कियां कुछ नहीं कर पाती, लेकिन उन बच्चों में, उन लड़कियों में देखो, जब एक अकेला जवान फंसा है उसकी सहायता के लिए आई है, उसके खाने पीने का ध्यान रखा है, तो कहां से इतनी हिम्मत आई होगी। जब भी मेरी आपसे सभी से विनती है, जितने लोग भी यहां आए हैं, जब भी कोई कार्यक्रम हमारे आसपास हो, चाहे वो कोई संस्था करे, चाहे पंचायत करे, चाहे सरकार का भी हो, स्कूल करे, कुछ भी हो, अपने बच्चों को जरूर भेजिए। वहां पे 10 लोगों के साथ मिलेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ उनका हौसला बढ़ेगा, कहीं ना कहीं से इन लोगों में भी हिम्मत आती होगी। कौन देखता है, ऐसे ही कार्यक्रम होते हैं, शायद उनको देख के इंस्पायर होते होंगे ये लोग बड़ी खुशी से। ये चाहता आदमी, ये जवान चाहता तो ये भी अपनी पोस्ट छोड़ सकता था, अपनी जान बचा के जा सकता था, लेकिन नहीं, उसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी होगी। 72 घंटे तक एक पोस्ट को छोड़ के दूसरी पोस्ट पे जाके, तीसरी पोस्ट पे जाके, मतलब दुश्मन की सेना को उसने ऐसे गुमराह कर दिया कि उनको पता ही नहीं लगा कि एक जवान लड़ रहा है उनके साथ।
हौसला इस तरह का जज्बा हमें अपने बच्चों को देना होगा। थोड़ी देर के लिए तो हम ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं, जैसे किसी का मोक्ष धाम में जाएं तो हमारी ज्योति प्रज्वलित होती है कि एक न एक दिन सबने यहाँ आना है। जैसे गेट बाहर निकलते हैं सारे अपने मोह माया में गुम हो जाते हैं। ये गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं कह रहे हम, ये शायद ऐसे कह लो प्रकृति का नियम ही है। लेकिन उस ज्योति को जला के रखना, याद करना कि नहीं होना है, ऐसे ही होना है, वो एक कामयाबी है, वो एक अचीवमेंट है, वो सिखाना है आप लोगों को, हमें सिखाना है, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करेंगे। हम टाइम टाइम पे प्रोग्राम करते रहते हैं और सबसे विनती भी करते हैं कि आइए हमें सिखाइए, ताकि हम आने वाली जनरेशन को कुछ हम छोड़ के जाएं, कुछ ऐसा छोड़ के जाएं कि वो लोग याद करें। एक बाप अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के लिए छोड़ जाता है, अब बच्चों की जिम्मेवारी बनती है कि उस प्रॉपर्टी को संभालना है या उजाड़ना है, तो वो संस्कार उनको दिखाने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, आपको हमें देने पड़ेंगे, ताकि हम इस विरासत को संभाल के रख सकें, आगे बढ़ा सकें, आपका भी नाम रोशन हो और बच्चों का भी नाम रोशन हो। आज हम आजादी दिवस मना रहे हैं। आजादी का मतलब यही नहीं है कि अपने अधिकार के लिए लड़ना है, अपनी जिम्मेवारियों के लिए भी लड़ना है, नहीं, हमारी समाज के प्रति जो जिम्मेवारी है वो हमें पता होनी चाहिए, उसके लिए भी लड़ना चाहिए। आज हर एक तबका जो है वो कुछ मुसीबत आने पर या उनको लगे कि नहीं हमारे साथ बुरा हो रहा है या गलत हो रहा है, तो झंडे डंडे लेके तो खड़ा हो जाता है, सड़कें रोक लेगा, तोड़फोड़ कर देगा, लेकिन अधिकार के लिए लड़ता है, लाइबिलिटी के लिए लड़ता है, जिम्मेवारियों के लिए लड़ता है। वो शायद कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है उनको बताने में कि नहीं, जहां अधिकार जरूरी है वहां जिम्मेवारियां भी जरूरी है। तन की आजादी ही नहीं, मन की आजादी भी होनी चाहिए, जिसे कहते हैं मानसिक गुलामी, मानसिक गुलामी से भी छुटकारा होना चाहिए। कई बार हम उन पुरानी ही प्रथाओं पे चलते रहते हैं जो उन लोगों ने हमें दी है, जो हम पे सौ सौ साल शासन करके गए, हमारा शोषण करते गए। हम आज भी अपने समाज से उन प्रथाओं को नहीं हटाना चाहते, तो शायद मेरे विचार से वो एक मानसिक गुलामी ही है। आज जरूरत है उस मानसिक गुलामी को भी निकालने की, उन प्रथाओं को भी हटाने की समाज से धीरे धीरे। कई बार हम ऐसी प्रथाओं को लेकर भी, हमारा एक तबका जो मिडिल क्लास कह लो या लोअर क्लास कह लो, वो उन्हीं प्रथाओं में चलने के कारण वो और नीचे जाता रहता है, ऊपर जाने के बजाय। तो इस तरह की जो मानसिक प्रताड़ना ही है, जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते, हो सकता है कोई कारण उस चीज का रहा हो, लेकिन आप लोग, आप जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने एक लंबा अच्छा अपना जीवन का व्यतीत किया है और लंबाई का आपके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उस अनुभव को हमारे साथ शेयर कीजिए, आने वाले बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो बच्चे, वो आने वाला भविष्य जिसे भारत का भविष्य कहते हैं, वो एक बुलंदी पर जा सके।
उस बुलंदी पर जाए जहां पूरी दुनिया उन्हें याद करे, आपके बच्चों का सम्मान करे, आपके बच्चों के कारण आपका नाम रोशन हो, इस तरह का कोई काम करके जाना है। वो तभी हो सकता है जब हम आपसी मनमुटाव जो हमारे बीच चलता रहता है उस मनमुटाव को एक साइड में रख के एक प्रेरणा पैदा करें, एक हिम्मत पैदा करें कि नहीं, अपने आप से हट के हमें समाज के बारे में भी सोचना है, देश के बारे में सोचना है, देश के लिए कुछ करना है। एक ऐसी जनरेशन पैदा करके देनी है समाज को जो समाज के लिए हितकारी हो। आज हम सभी जो यहां उपस्थित लोग हैं, कम से कम अपने मन में एक प्रेरणा लेके, एक अपने अंदर कुछ सोच के जाएंगे कि कम से कम, ज्यादा नहीं, कम से कम दो लोगों को हम प्रेरित करें, दो लोगों को हम अच्छी राह पे लेके चलें, वो आगे दो लोग किसी और दो लोगों को जोड़ेंगे। अगर इसी तरह से हम दो दो लोगों को जोड़ते जाएं तो शायद हमारे आसपास हमारा समाज जो है एक समृद्ध समाज हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो अभी 8वीं या 10वीं क्लास में ही है, उनको नशे की लत लग गई है, वो उस लत में इतने डूब गए हैं कि वो कोई बुरा काम करने में भी उनको शर्म नहीं आती, या तो उनको झिझक नहीं होती। मंदिर के ताले तोड़े जा रहे हैं, घर वालों की जो पॉकेट है वो काटी जा रही है, वहां से शुरुआत की है। तो कौन है उनको जो ये सिखा रहा है, कौन है जो उनको नशे में डुबो रहा है? बाहर से कोई लोग नहीं आता, हमारे बीच में ही होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं। उनको, बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, उनको घर से शिक्षा दी जा सकती है। अगर हमारे घर में अच्छी चर्चा होगी, चार जब बैठते हैं चार लोग शाम को, अक्सर देखा गया है कि जब घर में लोग बैठते हैं चार लोग तो अपने पड़ोसी की बुराई करना शुरू करते हैं, या अपने दूसरे घर वालों की बुराई करना शुरू करते हैं, वही बच्चा सुनता है, उसके मन में अपने पड़ोसी के लिए वह विरोध पैदा होने लगता है, क्योंकि बच्चे के लिए पहला गुरु तो माँ बाप ही है, वहीं से वो सुनना शुरू करेगा, उसके मन में वह विरोध पैदा होगा, पड़ोसी के लिए होगा, फिर एक के लिए होगा, दूसरे के लिए होगा। अगर हम अपने घर के वातावरण को भी चेंज कर दें, वहीं से शुरुआत करें, तो शायद धीरे 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 अब जो हमारे समाज में इस तरह की भावनाएं, इस तरह का जो प्रचलन चला हुआ है, उसको कहीं ना कहीं एक दिन हम खत्म करने में जरूर कामयाब होंगे। उस कामयाबी के पीछे आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों की मदद चाहिए। हम कह रहे हैं कि आप जुड़िए हमारे साथ, एक से भले दो, जब दो लोग मिलकर किसी काम करने को चलेंगे तो वो असंभव नहीं होगा, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता। शायद इसीलिए हमने नाम रखा था यश भी क्या है, हमने यहाँ ये नहीं कहा है कि यश आई क्या है, हमने लिखा है यश भी क्या है, हम कर सकते हैं। इसीलिए हमने, हमारे मन में आया कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो जो नाम है वही अपने आप में एक प्रेरणा होती है, तो इसलिए हमने यश भी क्या नाम रखा था।
और आज तक बच्चों को जोड़ा, बच्चों को जोड़ा ताकि यहीं से शुरुआत करें। तो धीरे धीरे हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, आप भी लोग जो हमारे साथ अभी तक नहीं आए हैं, हमारे साथ जुड़िए, हमारा सहयोग करिए, हमारा मार्गदर्शन करिए, ताकि हम इस सत्ता को थोड़ा और ऊपर लेके जाए। इसमें हमारा कोई पर्सनल लाभ नहीं है, समाज के लिए ही है। तो मैं चाहता हूं कि आज एक आजादी के अवसर पर आप लोग भी हमारे साथ आइए, सहयोग दीजिए, ताकि कल को हम इससे भी थोड़ा अच्छा और कर सकें। मैं फिर धन्यवाद करूंगा यहाँ उपस्थित आए सभी सज्जनों का और मंदिर कमेटी का, जिन्होंने हमें आज ये मंच यहाँ पे दिया, जिसके कारण हम ये कार्यक्रम कर पाए। सरकार का आदेश होने के कारण हमने बच्चों को भी तैयार किया हुआ था, लेकिन वो नोटिफिकेशन आने के बाद हम इसको पूरा नहीं कर पाए। बच्चों में भी उत्साह था कुछ कर दिखाने का, वो भी आज आपको उनकी प्रतिभा देखने का मौका मिलता, लेकिन दुर्भाग्यवश ही हम सब नहीं कर पाए। तो मैं फिर से आपका धन्यवाद करूंगा और चाहूंगा कि आप लोग आगे भी हमारा इसी तरह शौक देते रहें, ताकि हम आगे बढ़ते रहें, अपने समाज को ऊपर ले जाने की कोशिश करते रहें, और शायद आपका सहयोग रहे तो एक ना एक दिन हम भी जरूर कामयाब होंगे। धन्यवाद।